लोगों के दिलों में 6 साल तक जगह बनाने वाले ग्लोबल फैशन एंड डिजाइन वीक के 7वें वर्ष में कुछ खास अंदाज में प्रवेश कर चुका है। नोएडा के मारवा स्टूडियो में 3 दिवसीय 7वां ग्लोबल फैशन एंड डिजाइन वीक के 3रे दिन के दूसरे सत्र कार्यक्रम का पूरे उत्साह के साथ आयोजन किया गया। फूड फेस्टिवल से कार्यक्रम की शुरुआत की गई, जिसमें कई प्रकार की डिश का प्रदर्शन हुआ। वहीं स्कूल ऑफ हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म स्टूडेंट्स द्वारा अलग अलग देशों के क्यूजीन, जिम्बाब्वे चिकन, चिमोधो, जिम्बाब्वे, जिम्बाबियन चिकन स्ट्यू, गैबन फ्राइड बनाना बनाकर परोसे गए। देश विदेश से अतिथिगण ने अपनी गरिमामय उपस्थिति भी दर्ज कराई। इसमें संदीप मारवा, जोसफिन पेट्रिसिया ट्याम ए गबोन, दीप्ति छिब्बर, मेघा खंडेलवाल इंटीरियर डिजाइनर, पूनम हर्ष मौजूद रही। बता दें कि भारतीय स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ एशियन एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन की 30वीं वर्षगांठ और AAFT स्कूल ऑफ फैशन इन डिजाइन भी अपनी 10वीं वर्षगांठ मना रहा है। फैशन किसी भी देश की संस्कृति का हिस्सा होता है। फैशन केवल कपड़े नहीं है, इसमें आभूषण, सामान, मेकअप और बहुत कुछ शामिल है। दीप प्रज्वलन से फैशन शो की शुरुआत की गई। डायरेक्टर प्रोफेसर रितुलाल ने सभी अतिथिगण को फेस्टिवल बैच देकर सम्मानित किया। सभी अतिथिगण को पुस्तक भेंट कर उनका स्वागत किया गया। वहीं महिमा जैन द्वारा डिजाइन की गई कॉफी टेबल बुक का अतिथिगण ने विमोचन किया। फैशन शो में अलग अलग देशों की संस्कृति से प्रभावित परिधानों को खूबसूरत तरीके से पेश किया गया, जिसमें कई कलेक्शन जैसे कि गोल्डन ऑफ गार्डन, द सिल्क रोड, तबिया व्हाइट नाइट, अल्मा वाइब्रेंट, स्टार गार्डन आदि कलेक्शन शामिल थे। बता दें कि रैंप पर मॉडल्स ने खूबसूरती से जलवा बिखेरा, जिसमें ये समा और भी ज्यादा खूबसूरत हो गया। डॉक्टर संदीप मारवा ने सभी लोगों का शुक्रिया अदा किया। इसके साथ ही कहा, फैशन और डिजाइन सप्ताह की सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि ये दुनिया के बाकी हिस्सों से अलग है। हर साल फैशन शो में बहुत कुछ नया देखने को मिलता है। समय के साथ खुद में परिवर्तन करना ही फैशन है। यहाँ मौजूद अतिथिगण ने भी फैशन शो को लेकर अपने विचारों को साझा किया। इसके साथ ही स्टूडेंट्स और डॉक्टर संदीप मारवा द्वारा किए गए कामों की सराहना की। कार्यक्रम में अतिथिगण को मॉडल्स और डिजाइनर के साथ काउंट्री डॉक्यूमेंट भी दिया गया। कार्यक्रम में उपस्थित अतिथिगण को मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। वही कार्यक्रम के समापन समारोह में स्कूल ऑफ फैशन एंड डिजाइन के डायरेक्टर प्रोफेसर रितुलाल द्वारा सभी अतिथिगण और स्टूडेंट्स का धन्यवाद ज्ञापन किया गया। And topics regarding that is my profession, and I found fashion and designing give women more confidence, and they can feel more self-care, more confidence, and they will be more effective with family, society, and with their around and environment. Thank you so much. It was quite a spectacular event. Mad with beautiful ladies and boys putting on spectacular attires from different designers. Actually, it's quite an honor for us. We have learned a lot and we so much appreciate what we have seen. It's quite an honor for us from the country of Zimbabwe. We have learned a lot. तीसरे दिन का दूसरा शो अभी हाल ही में ख़त्म हुआ है और जितना जोश मैंने कल देखा था उससे ज़्यादा जोश आज है। उत्साह बहुत बड़ा हुआ है और लोग जो हैं इस वक्त हर एक ड्रेस के ऊपर ताली बजा रहे हैं, जो सबसे ज़्यादा मज़ा आ रहा है। तो ऐसा महसूस हो रहा है कि जितने भी गारमेंट्स यहाँ डिज़ाइन करके बच्चे रैंप पे लेके आए हैं वो अत्यंत खूबसूरत हैं, सुंदर हैं और बिल्कुल अलग तरीके के हैं और वियरेबल है। सबसे अच्छी बात तो ये है कि बहुत ज़्यादा कपड़े जब फैशन पे रैंप पे चलते हैं तो वो पहनने के योग्य नहीं होते हैं,
लेकिन ये सभी कपड़े ऐसे हैं जो पहनने के योग्य भी हैं और सबसे अलग भी हैं। मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि जो मेहनत की है वो सफल होती नजर आ रही है। The show and the show was fantabulous. I must say the students here are performing and giving some fashion goals to all these companies, H&M, Zara, Uniqlo. I think they should just take the design from the students here. They are doing phenomenal work. And the interior designing, I'm a designer myself. So the interior designing course organized here is amazing and releasing some amazing interior designers in the near future. Looking forward. Oh, absolutely, it's splendid. Whoever's not seen it, I've missed it.